राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तिका मंडल की ओर से सामाजिक विज्ञान की किताब में इस वर्ष के एडिशन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कमजोर योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। पाठ्यक्रम में किए गए इस बदलाव के बाद अब राजपूत समाज में आक्रोश है। दरअसल इस बार की 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध और प्रताप की वीरता के अंशों को हटा दिया गया है। इस कारण से मेवाड़ के लोग अब आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में आज राजपूत समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी जिला कलेक्टर पर पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इसमें सुधार की मांग की। ज्ञापन सौंपने आए इन लोगों का कहना था कि वर्तमान सरकार के इस कदम से आने वाली भावी पीढ़ी प्रताप की वीरता और चेतक के शौर्य को नहीं पढ़ पाएंगे। यही नहीं, राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए यह कहा कि बार बार इस तरीके से प्रताप और हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े विषयों को बदलना उचित नहीं है। आज महोदय के सामने हम लोगों ने उदयपुर के विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंप करके सरकार को चेता दिया है। ये मेवाड़ ज्यादा दिन तक महाराणा प्रताप के प्रति, जिनको हम प्रातः स्मरणीय रूप में मानते हैं और जो सामाजिक समरसता के प्रतीक है, बार बार हमारे को चुनौती देकर के मेवाड़ के ऊपर बार बार कुठाराघात नहीं करें। हम लोगों ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को या तो सीधा कर दिया जाए, वरना फिर ये मेवाड़ है, मेवाड़ कुछ भी कर सकता है। और इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन देते हुए, और विशेष करके हमारे यहाँ भी जो स्थानीय महेंद्र जी भाणावत है, जो जिन्होंने पुस्तक लिख करके इस इतिहास को गड़बड़ कर रहे हैं, और यही नहीं, उनको पता है अभी 50 साल का इतिहास नहीं दोहरा है, जो 580 साल हो गए महाराणा प्रताप को भी जन्म जयंती मनाते हुए, ये 581वां साल चल रहा है, वो पूरी इस किताब को पढ़े, अन्यथा ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ कुछ भी कर सकता है, ये हमने ज्ञापन देकर के कलेक्टर को जता दिया है। बार बार कुठोराघात हो रहा है, हर आप पिक्चर वालों को देखो, हर चीज में, अब ये पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम में पहले हल्दीघाटी का अलग था, अब अलग बता दिए, क्या बच्चे तीन तीन चीजें पढ़ रहे हैं। पहले तो महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताया, फिर बताया कि वो अनिर्णायक युद्ध रहा, अब बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप वो युद्ध लड़े ही नहीं। अब नई चीज और आ गई कि वहां महिलाओं ने नहीं, महिलाएं जो हल्दी चढ़ी महिलाएं थी उसके कारण वो हल्दी वो हुई है। अब बच्चे किस चीज को पढ़े, 8वीं में अलग पढ़ा रहे हैं, 10वीं में अलग पढ़ा रहे हैं, 12वीं में अलग पढ़ा रहे हैं। मैं तो अपने करणी सेना के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री इस मामले को या तो इस पुस्तक के विवरण को यही रोके, पुस्तकें बाजार में नहीं आने दें। अगर बाजार में ये किताबें आई तो हम सारे जो पुस्तक विक्रेता हैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वो इन पुस्तकों को न खरीदें, और स्कूल वालों से भी सबसे निवेदन करते हैं कि वो ऐसी पाठ्य पुस्तकें जो मेवाड़ के इतिहास को, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के बारे में जो बताते हैं, उसको स्कूलों में न पढ़ाया जाए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से उनको इस्तीफा ले लिया जाए। ऐसे आदमी को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है जो जनता के साथ में, मेवाड़ के साथ में, मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ में खिलवाड़ करती है। जय हिंद, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। जी उदयपुर जनमानस को जय प्रताप, जय एकलिंगनाथ। मैं चंद्रवीर सिंह करेलिया, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष। आज पूरा जनमानस जो एक बात को लेकर चिंतित है, राजस्थान बोर्ड की सामाजिक विज्ञान विषय में 10वीं कक्षा के एक प्रश्न है इतिहास का, उसमें काफी छेड़छाड़ की गई है। शिक्षा मंत्री जी द्वारा महाराणा प्रताप के गौरवमयी पृष्ठों को हटा के अनर्गल बातें उसमें छापी गई हैं। बड़ा आश्चर्य है, हल्दीघाटी का स्वरूप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहे कि हल्दीघाटी का रंग हल्दी इसलिए हुआ कि औरतें हल्दी लगा के पुरुषों को वेश में युद्ध लड़ती थी। इस तरह के बचकानी और तुगलकी फरमान, मैं कहूँगा, जारी किए जा रहे हैं। हम आज ये आह्वान करते हैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी, जो कोरोना महामारी में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये कोरोना महामारी में जैसा आप काम कर रहे हैं, इस छोटी सी सांस्कृतिक धरोहर की तरफ भी ध्यान दें, अन्यथा ये एक छोटा सा नासूर बहुत बड़ा विस्फोट बन के उभरेगा। और शिक्षा मंत्री के जो आदेश जारी उसको तुरंत निरस्त करें, और 2017 के हिसाब से जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तिका है उस पर तुरंत प्रभाव का मतलब 17 जुलाई में चालू हो रहा है, इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए। शिक्षा मंत्री को निर्देश देके 2017 के हिसाब से पाठ्यक्रम को वापस सुनिश्चित किया जाए, ये हमारी मांग है।